अब आपके पास देखें जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एंड एक्स वाई व्हेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपने की थी इन फार्मूलाज के साथ। तो जब आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी गिवन होगा, तो फर्स्ट और सेकंड फार्मूला को सम और सब्ट्रैक्ट करके जो आपने थर्ड और फोर्थ फार्मूला डिराइव किया था वो यूज़ होंगे, ठीक है। यानी x प्लस वाई का होल स्केयर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अगर आपको फार्मूलाज याद हो तो आपको मैंने बताया हुआ है कि टू वैल्यूज़ गिवन हो और एक हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक मिसिंग हो, बाकी की गिवन हो, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपने फार्मूला के मुताबिक यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक्स प्लस वाई 7 था और एक्स माइनस वाई 3 था, ये एज इट इज़ आपने लिखना है। 7 का स्केयर 49, 7 जा, ठीक है, और 3 का स्केयर 9, और ये आपने ऐसे ही लिख दिया। अब 49 में 9 प्लस करें तो 58 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। क्योंकि हमारी डिमांड सिर्फ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है, इसलिए ये 2 इसका मल्टीपल है, और मल्टीपल हमेशा ख़त्म होता है डिवाइड होके। तो आपने दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखें आपके पास आ जाएगा 2 2 4 1 बच जाएगा, 2 9 18, यानी कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 29 आ गया। आर करके आप इसको अरेंज कर दें। अब जो आपके पास सेकंड पार्ट इसका क्या था कि एक्स वाई भी आपने फाइंड करना है, क्योंकि वैल्यू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई गिवन है, इसलिए आपने अपना फोर्थ फार्मूला यूज़ करना है कि ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू 4ab। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है, तो आप ए बी को एक्स वाई से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई जो था वो 7 था, तो स्केयर अपनी जगह पे, माइनस एक्स माइनस वाई जो था वो 3 था, स्केयर अपनी जगह पे, और ये 4xy। 7 का स्क्वायर 49 है, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4xy हो जाएगा, ठीक। अब 49 में से आप 9 को माइनस कर दें तो 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4xy। लेकिन आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि हमें जस्ट एक्स वाई चाहिए, 4 नहीं चाहिए। तो जो अगर मल्टीपल है 4, तो डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन है, जो काम एक तरफ होगा वो दूसरी तरफ भी होगा, आपने दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देना है। इधर 4 कैंसिल हो जाएगा और 4 10 40, यानी आपके पास एक्स वाई जो है वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा।